नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सपना झा। खबर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से है, जहां गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा शहर गूंज उठा। मामला जैतपुरा थाना क्षेत्र के चौका घाट काली मंदिर के पास का है। यहां बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर दो लोगों की हत्या कर दी, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं घटना को अंजाम देने के आरोपी हत्यारे मौके से फरार हो गए। पूरे वारदात का वीडियो वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे शहर में अलर्ट भी जारी कर दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें, इस वारदात में बेवजह मारे गए वाल्मीकि गौड़ स्थानीय ट्रॉली चालक है और घर के बाहर लगे नल से पानी पीने जा रहे थे कि बदमाशों की गोलियों का निशाना बन गए। वारदात के बाद से परिजनों का रो रो कर जहां बुरा हाल है, तो वहीं गुस्साए लोगों ने मार्ग जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वाराणसी में जैतपुरा थाना अंतर्गत आज सुबह लगभग 10:30 बजे दो लोगों की जो हत्या हुई है, उसमें जो जानकारी सामने आई है वो यह है कि जो मृतक अभिषेक हैं, इनके ऊपर वाराणसी में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और हत्या का प्रयास, गैंगस्टर, इसके अतिरिक्त ये असलहे के व्यापार, अवैध असलहा और मादक पदार्थों के व्यापार से भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में जो आज इन पर हमला हुआ जिसमें इनकी मृत्यु हुई, उसके मोटिव की तलाश की जा रही है। कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्लूज हम लोगों को मिल गए हैं, जिससे हम लोग 8 टीमें हम लोगों ने बना करके घटना के अनावरण के प्रयास शुरू कर दिए हैं। चूँकि जो मृतक हैं उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि थी, वो थाना कैंट से हिस्ट्री शीटर भी हैं, पूर्व में यहाँ पर पुरस्कार घोषित अपराधी भी रह चुके हैं, ऐसे में क्या इनकी रंजिश उनके पूर्व के मुकदमों के ही किसी पक्ष से जुड़ी हुई है या किसी नए वाद विवाद के चलते जो इनके असलहा या मादक पदार्थों के व्यापार से जनित होता है उससे इनका हत्या का कारण जुड़ा हुआ है, उसकी हम लोग गहनता से जांच कर रहे हैं। हमको कुछ साक्ष्य मिले हैं, उन साक्ष्य के आधार पर हमारी कुछ टीमें हमने आसपास के जनपदों में रवाना भी करी हैं और बहुत जल्दी जो है इस घटना का अनावरण करके जो अभियुक्त हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।